वर्दी की गरिमा को सिविल लाइन थाने के पुलिसकर्मी ने किया तार तार। घर में खाना खा रहे युवक को अर्धनग्न अवस्था में ले आए थाने। पीड़ित के घर में घुसकर दिखाई पुलिस यह दहशत। नाबालिग बेटी से की बदतमीजी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश गायत्री के साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुलिस हमेशा दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा करने, अपराधों पर लगाम लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाती है। नियम तोड़ने वालों पर वह कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन जनसेवा की राह पर चलते हुए जब वह अपने कर्तव्य पथ से भटक जाती है तो समाज में किरकिरी भी मच जाती है। मामला रीवा जिले के पुलिस लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने भरी बरसात में अपनी वर्दी की इतनी गर्मी दिखाई कि अपने घर में खाना खा रहे एक व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में थाने ले आया। थाने लाने के बाद युवक को अभद्र गालियों से नवाज कर अपमानित किया। इतना ही नहीं, पीड़ित की बेटी ने जब पुलिसकर्मियों के इस कृत्य को कैमरे में कैद करना चाहा, तो वह नाबालिग बेटी से बदतमीजी करते हुए वीडियो डिलीट कर मोबाइल को तोड़ दिया। उसने नाबालिग बिटिया से बदतमीजी करने में जरा सा भी गुरेज नहीं किया। दरअसल पीड़ित 30 से 35 वर्षों से लगातार बांसघाट स्थित कोमलचंद जैन की किराए से बगिया लेकर सब्जी उगाता था एवं उन्हीं की बगिया में बने मकान में निवासरत था। किसी कारणवश कोमलचंद जैन के लड़के ने बगिया व कमरा खाली करने को कहा, जिस पर पीड़ित ने आरोपी से कुछ दिनों का समय मांगा। आरोपी ने पीड़ित को समय देने के बजाय सिविल लाइन थाने में पदस्थ रंगीन नोटों के दीवाने पुलिसकर्मियों से सजा दिलवा दी। जेपी कुशवाहा महापौर प्रत्याशी बीएसपी रीवा ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और पीड़ित परिजनों के साथ ओबीसी और एससी एसटी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एसपी कार्यालय रीवा पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर कानूनी कार्रवाई कर बर्खास्त करने की मांग की एवं कुशवाहा जी ने बहुजन समाज से अपील की ये अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे आए। राम कलेश वर्मा, बताइए क्या मामला लेके आए हैं? मामला लेके आए हैं, हम घर में किराए से रह रहे थे, तो किराए से कमरा खाली करना ही था हमको। 6 बजे तक, 4 बजे खाली करना था, पर पुलिस वाले हमारे पास 12 बजे गए और बोले तुम क्या कर रहे हो? हम बोले खाना खा रहे हैं। बोले कि खाना खा रहे हो, गाली दिए और बोले कि चलो तुम थाने, और थाने हमको लेके चले आए। 4 बजे तक हमको थाने में बैठाए रहे, गालियाँ दी, मेरी बेटी की बेइज्जती की, उसकी मोबाइल भी तोड़ दिया, हाथ पकड़ के मोबाइल छुड़ाया। किसके घर में किराए से रह रहे थे? जैन साहब के, चक्रेश जैन। वो आपको अल्टीमेटम क्या दिए थे कि आपको घर खाली करना? हाँ, 6 तारीख को, 6 तारीख को शाम को 6 बजे घर खाली करना, और 6 तारीख को 12 बजे दोपहर में ये पहुँच गए। आपका पुराना विवाद भी था कुछ? विवाद मेरा कोई नहीं था, यही खाली करने का विवाद था। किस वजह से खाली करवा रहे थे? वो अपना फ्लैट बनवा रहे थे, तो बोले खाली कर दो। हमने कहा ठीक है, खाली कर देंगे भाई। कौन कौन पुलिसकर्मी थे, क्या नाम आपके? पुलिसकर्मी एक जन को जानते हैं, संतोष सिंह, और बाकी एक उनके और सहायक थे। फिर दो बाद में फिर और आए हैं, जबकि वो नेम प्लेट नहीं लगाए थे, या कि लगाए होंगे हम देखे नहीं। स्थान का नाम क्या है जी? स्थान का नाम क्या था? बांसघाट वार्ड क्रमांक 6। कौन है? वो मान सम्मान स्वाभिमान का है, और जिस तरह से पुलिस अक्सर इस गाली गलौज उनका जो स्वभाव होता है और बिना ये जाने हुए मतलब दूसरे का सम्मान ना करना, ये सब अक्सर देखा जाता है। मामला सिर्फ मान सम्मान का है, और इतने ये वहाँ पे बगिया में काम करते थे और किराए से ले, और ये था कि खाली करना है, तो खाली करने का थोड़ी बहुत बीच में हुई होगी कुछ बातचीत अभी ये तो नहीं है, तो इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया। और पुलिस का काम जो है, अगर SDM या लड़ाई झगड़ा हो रहा तब आना, तो ये सीधे जो है पहुंच गए दूसरे पक्ष से, कुछ जो भी रहा हो इनका समझौता, तो उसके तहत ये पहुंचे और इनको खाना खाते से उठा लिया। मतलब खाना भी नहीं खाने दिए, चड्डी पहने थे, तो आधे नंगे अवस्था में उनको लाए यहाँ तक, खाने तक लाए, और गाली गलौज इतना ज़्यादा किए कि मतलब इनको ये लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो मर जाऊँ। बिटिया को इतना शर्मसार किए, इतनी गंदी गाली दिए, वीडियो बना रही है तो उसका मोबाइल छीन के उसको तोड़ दिए और सब डिलीट कर दिए मामला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये गरीब वर्ग है, और पुलिस करती क्या है, जहाँ एक पक्ष से कुछ लेन देन कर लेती है, जो गरीब वर्ग होता है वो हमेशा प्रताड़ित होता है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो, जो संतोष सिंह नाम के हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और किस पद पर हैं वो? वो
सिपाही या मुंशी होंगे। अच्छा, पूर्व में उनके द्वारा क्या कोई नोटिस दी गई थी कि आपको खाली करना? हाँ, 15 दिन पहले पुलिस वालों के माध्यम से ही वो किया गया था, अल्टीमेटम दिलाया गया था कि 15 दिन आप खाली करो, और कल 15 दिन पूरा हो रहा था और शाम तक खाली करेंगे, और ये अपना सामान वामान पैक कर लिए थे और ये 12 बजे पहुँचे और ये घटना घटी। अभी तक कोई FIR आपकी तरफ से? हाँ, मेरे तरफ से है। हाँ, पहले भी हुई थी, सूचना दी थी पुलिस को और आज एडिशनल SP को दिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि जांच करवा के कार्रवाई करेंगे।